अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, कल जो मैंने यहाँ बैठे हुए लोगों से कहा था और क्लास के बाद दो तीन लोग मिले भी थे मुझे आगे, तो ख़ास तौर पे यहाँ बैठे हुए तो चलो सामने होते हैं, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं, मैं दोबारा आप लोगों के सामने ना जो मसला है वो रख लेता हूँ। बेटा देखें, जब आप अभी सीए की क्लासेस ले रहे हैं, इस सीए की क्लासेस के लिए आपकी एज ठीक है, अप्रोप्रिएट है, आप इस 12 साल की पढ़ाई करके आ गए और अब आप यहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पहली दफ़ा ही पढ़ रहे हैं क्योंकि एक सेपरेट लाइन है। वो जो स्कूल में 10 साल पढ़ा है और 2 साल आपने इंटर FSE FA ICOM जो भी किया है, जो स्कूल में पाक स्टडीज़ और इस्लामियात और उर्दू और ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इनका भी यहाँ पर कोई काम आ रहा है? नहीं। इसी तरह से आपने मैट्रिक तक मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी जिनका आगे दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई अलजबरा ऐसा पढ़ा होगा, कोई है ट्रिग्नोमेट्री और वो जो फीसा गौरस बैठा मसाइल ही करता रहता था दुनिया के थ्योरम जो थे, तो अब इन सब का यहाँ पर इस्तेमाल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आप जो कुछ उन 10 साल में पढ़ के आए हैं उनमें से सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ते जिनका कहीं यहाँ के इस्तेमाल हो रहा है और वो बाकी सब कुछ ना पढ़ते, तो आपका मेंटली इतना लेवल हो चुका होता कि यहाँ पर आप सीए के स्टडीज पढ़ रहे होते? नहीं, उसका अमल दखल बहरहाल था, जितना भी आपने जो सब्जेक्ट पढ़े, इवन के पाक स्टडीज, साइंस, इनका भी अमल दखल रहा है, आपने 10 साल की पढ़ाई की है, एक्सपोजर था, एग्जाम प्रेशर होते थे, इंटरेक्शन था, सीखते थे, और कुछ नहीं तो बहुत सारी इंग्लिश भी सीखी हुई वहां से। अब अगर आप वहां 10 साल 12 साल में इंग्लिश भी ना पढ़ के आते और कहते कि नहीं सिर्फ सीए में आके जो इंग्लिश है बस वो सीख लेंगे, फिर नहीं चलना था उसमें। तो जब आप नया सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो वो नजर तो ये आ रहा होता है कि नया है, लेकिन जो पहले 10-12 साल पढ़ा होता है उसमें कहीं ना कहीं इतनी सख्त बन गई होती है, इतनी एबिलिटी बन गई होती है कि आप इस सब्जेक्ट को फिर पढ़ सकें। इसी तरह ना ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, बेशक FAR 1 इसके लिए पढ़ा होना जरूरी नहीं है जरूरी, यही वजह है कि इन्होंने KF 1 KF 2 KF 3 रखा। अब जो लोग KF की स्कीम है और KF 3 कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ रहा होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली KF 1 FAR 1 के साथ पढ़ रहा होगा। पहले ये कॉस्ट अकाउंटिंग 8वां पेपर होता था, KF 8। तो कई बच्चे ऐसे होते थे जो कैफ के शुरू में ही, अभी इन्होंने सिर्फ इंट्रो टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स ही पढ़ा होता था, ये मैं पिछली स्कीम की बात कर रहा हूँ, और वो अगली स्टैम्प में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लेते थे बिल्कुल। इवन के कॉस्ट में जो सर्टिफिकेट एक स्टूडेंट का, मेरे एक दौर की बात है 2018 की, उस स्टूडेंट ने उसी अटैम्प्ट में FAR 1 भी पढ़ा था और कॉस्ट भी पढ़ा था, मतलब दोनों साथ पढ़े थे, कॉस्ट सर्टिफिकेट था तो FAR 1 कॉस्ट दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो FAR 1 कॉस्ट से पहले पढ़ा होना जरूरी नहीं है। मैक्सिमम क्या था कि जो वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने पहले FAR 1 पढ़ा हुआ है वो FAR 1 में पढ़ भी चुके थे, तो बेटे मैंने वो जीरो से ही पढ़ाया। बल्कि अगर आप में वो लोग बैठे हुए जिन्होंने मुझसे FAR 1 पढ़ा था, मुझे ये लगता है कि मैंने इतनी तफसील से तो वहां भी नहीं पढ़ाया था जितना अब पढ़ा दिया है, तो मैंने यहां पर बैठे हुए लोगों के लिए जीरो से ही पढ़ाया है। वो सिर्फ वो एक ऐसा टॉपिक था जो कह सकते हैं जी FAR 1 वालों ने पहले पढ़ा था, तो मैंने वो फिर भी जीरो से ही पढ़ाया। उसके अलावा FAR 1 अगर नहीं पढ़ी है तो कोई इशू नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने इंट्रो भी नहीं पढ़ी और वो उस फेज का शिकार हो गए, देखें ये जो कोरोना के साल 1.5 साल गुजरे हैं, इसमें कसूर किसी का भी नहीं है, लेकिन इनके इफेक्ट्स पड़ेंगे। इसी तरह से ये जो स्कीम चेंज हुई है, अभी जो AFC में किसी तरह पैर अड़ा चुके हुए हैं उनके लिए PRC है, PRC जो AFC की जगह नहीं है। तो पहले क्या था कि इंट्रो टू अकाउंटिंग कैफ का हिस्सा था, अब वो PRC में चला गया, तो जो AFC पढ़ के आए हैं उनको भी एग्जेम्प्ट हो गया। अब ये इस साल के अंदर अंदर इसके असरात तो बेटे रहेंगे। अब आप में से जिन बच्चों ने इंट्रो भी नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मेरे बच्चों कॉस्ट को हजम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको अगर ये कहूँ ना कि जी आप अगर आप ये कहें कि चलें सर आप तो पढ़ाएं ना, तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज़ के लिए मेंटली तैयार ही नहीं, उस लेवल तक ही नहीं पहुंचे, तो आप उस मेहनत को एब्जॉर्ब भी तो नहीं बेटे कर पा रहे होगे ना। मैं मेहनत यकीनन कर रहा हूँ और ये मुझे अभी
कैफ 8 की जगह कैफ 3 बनने से, पहले मैंने कहा कैफ 8 होता था, मुझे इस चीज का अंदाजा है और मैंने अपने पढ़ाने में, जो लोग कैफ 8 मुझसे अब दोबारा भी पढ़ रहे होंगे, लास्ट टाइम किसी वजह से छोड़ दिया था, मैंने अपने पढ़ाने में यकीनन चेंज की होगी, क्योंकि पहले जो लोग पढ़ने आते थे कॉस्ट वो लोग होते थे जो कैफ के आखिर तक पहुंच चुके हुए हैं और 3-4-5 पेपर पास करके आ चुके हुए हैं। अब कौन पढ़ने आ रहे होंगे जिन्होंने कैफ शुरू किया है, तो यकीनन मेरी स्ट्रेटेजी में चेंज करनी पड़ेगी, टीचर के लिए ही काम है, उसने तो करना है। लेकिन बेटा अब आप अगर ये सोचते हैं कि आपने ना जिंदगी में, मिसाल दे रहा हूं, आपने जिंदगी में इंग्लिश नहीं पढ़ी नहीं जिंदगी में इंग्लिश, अब आप अगर कॉस्ट में आके ये एक्सपेक्ट करें कि चले सर कोई नहीं इंग्लिश भी साथ पढ़ा दें, तो इससे नुकसान क्या होगा, कॉस्ट रह जाएगी ना। अब हमने वो भी तो पढ़नी है ना, तो मैं हाँ इतना तो मेरे बच्चों में जरूर कर रहा हूं, इंशाल्लाह आगे भी करूंगा, कि जो पहले मैं कैफ 8 का पढ़ाता था अब मैं कैफ 3 के लेवल पे डेफिनेटली आऊंगा, चीजों में टाइम ज्यादा लगेगा, जो चैप्टर पहले मैं 10 दिन में कराता था अब मैं उसके ऊपर 14 दिन लगा रहा हूँ, ये तो जरूर मैं अकॉर्डिंगली करूंगा। कुछ चीजों को जो मैं कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, जिन्होंने पहले भी जो पढ़ा हुआ है, मैं बहुत सिस्टमेटिक लेके चलता हूँ और पहले बेस बताता हूँ कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, चैप्टर में होता क्या, पूरा इंट्रोडक्शन के साथ, तो अब मुझे उसमें भी यकीनन चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये कैफ 3 है, ये तो मेरा काम है करने वाला, और सामने बैठे हुए लोगों को देखते हुए, उनके सवालों को देखते हुए, उनकी शक्लों को देखते हुए, ये भी अकॉर्डिंगली मेरा काम है कि मैंने किस तरह से चीजों को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, ये मेरा काम जरूर है। लेकिन आपको एक बात समझाने का, गुजारिश करने का मकसद ये है कि बेटे अगर आपके पास जो बेसिक चीजें हैं अगर वो पूरी नहीं है, अगर आप इस क्लास में बैठ तो जाएंगे लेकिन आपका जो बेसिक नॉलेज इस लेवल पे आने के लिए जरूरी था अगर वो ही नहीं होगा, तो फिर मैं सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, और आप लोग भी उसको अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। अब आप लोगों से नुकसान क्या होगा, ये मैं उस कॉम की बात कर रहा हूं जिसने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई, मैं उस कॉम की बात कर रहा हूं, FAR 1 कोई मसला नहीं है, जिन्होंने इंट्रो पढ़ा हुआ है वो तसल्ली से कंटिन्यू करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, दो तो मुझे कल मिल लिए थे, और ऑनलाइन के ग्रुप के सवालों से आइडिया हो रहा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंट्रो एग्जाम्ट वाले हैं, उनके सवालों से आइडिया हो जाता है। तो बेटा अभी कॉस्ट के शुरू शुरू में ही आपको जो मसाइल आ रहे हैं, ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं, आगे चल के तो और बहुत सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ जानी है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में बेशक हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, कॉस्ट एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन आगे चल के कुछ टर्मिनोलॉजीज हो जानी है यूज, जिसके लिए इंट्रो पास किया होना बड़ा जरूरी था। मैं सिर्फ इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर की बात नहीं कर रहा, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में वो नॉलेज सामने आ जाएगा, जो अगर आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग पास की होती तभी तो बेटा उन्होंने पीआरसी में रखा इंट्रो टू अकाउंटिंग, कि जो बच्चा पीआरसी पास करेगा वो कैफ का अहल है। पीआरसी पता है क्या है? अब नई स्कीम में एएफसी की जगह पीआरसी है, तो जो पीआरसी पास करेगा वो कैफ में आएगा ना, तो उन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग पीआरसी में रख दिया है। आप इस बात को भी समझें कि पहले इंट्रो टू अकाउंटिंग कहां था और कैफ में कहीं शर्त थी कि कौन सा पेपर पहले पढ़ना है, तो उससे क्या था कि इंट्रो टू अकाउंटिंग ऐसा हो सकता था को पढ़े बगैर बाकी पढ़ रहा हो सकता था ऐसा, लेकिन पीआरसी में क्यों जरूरत पड़ी रखने की, कि ये बड़ा जरूरी है बाकियों के लिए भी, तभी तो उन्होंने पीआरसी में रख दिया इस बात को कि आप पहले इंट्रो टू अकाउंटिंग पास करें, क्वांटिटेटिव मेथड्स पास करें, फिर आप कैफ के सब्जेक्ट्स के लिए बेसिक टूल से इक्विप्ड हो जाएंगे। इस वजह से इसको पीछे रखा गया है, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा करो मेरे बच्चों। तो आप में से जो लोग इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़े हुए हैं, उनके साथ बहुत सिंसियर एडवाइस है मेरी कि वो किसी और ऑप्शन पे सोचें और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो अगली दफा के लिए रख लें, क्योंकि अभी इससे आपको कुछ अर्से बाद और मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी, आपके बाकी सब्जेक्ट अफेक्ट होने लग जाएंगे और आपके जहन पे एक प्रेशर मजीद क्या बढ़ जाएगा कि कॉस्ट बहुत मुश्किल है। असल में कॉस्ट इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी इंट्रो ना पड़ी होने की वजह से आपको लगनी शुरू हो जाएगी और मजीद हवा बनना शुरू हो जाएगा, मजीद प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो जो आप लोगों में से इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़े हुए लोग नहीं है, मेरी गुजारिश है, बहुत मुद्दमाना गुजारिश है, आपके भले की बात कर रहा हूं, अगर किसी हद तक यकीन करते हैं तो बेटे आपके भले की बात कर रहा हूं कि आप कॉस्ट का पेपर चेंज करके कोई और पेपर रखें, जब इंट्रो टू अकाउंटिंग तसल्ली से पढ़ लें, क्योंकि FAR 1 जो लोग पढ़ रहे हैं वो इंट्रो भी तो साथ कहीं ना कहीं पढ़ाई जा ही रही होगी ना, इंट्रो प्लस FAR 1, अगली दफा आप जरूर इक्विप्ड होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए। तो डू सीरियसली थिंक अबाउट माई सजेशन, जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई। चले, मैंने कल एक सवाल लिया था, Thank you.
क्वेश्चन नंबर थ्री कहां था? हाँ जी, उम्मीद कर रहा हूं कि किया है और सही किया होगा। एनआरबी मैंने स्टेट गिवन थी, और उसके अलावा बाकी जो ऊपर टेबल में डाटा था वहां से आपने कॉस्ट निकालनी थी, फाइफो लगा के, वेटेड एवरेज लगा के। जैसे प्रोडक्ट ए है, अगर इनके क्लोजिंग यूनिट्स देखें तो वो कितने, 40 पहले थे, 160 और आए, 170 बेच दिए, 30। तो अगर फाइफो हुआ तो वो ये इन परचेजेस में सही होंगे, और अगर वेटेड एवरेज हुआ तो वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। इसी तरह से बी, सी और डी, चारों में यही काम करना था। कोई मुश्किल परेशानी? पक्की बात जी। जी जी हाँ जी। तो वेटेड एवरेज में आप परपेचुअल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं या? अच्छा, सवाल ये पूछा है कि जब हम कल इन्वेंट्री कार्ड बना रहे थे तो परचेज रिटर्न भी और सेल रिटर्न भी, चाहे फाइफो मेथड हो चाहे वेटेड एवरेज मेथड हो, इन रिटर्न्स के सामने कौन सा रेट लिख रहे थे हम? जो ये ओरिजिनली ट्रांजेक्शन की थी तो किया था, यानी इनको जब परचेज किया था तो जिस रेट पे किया था उसी पे रिटर्न का रेट लिखा था। फाइफो में कोई और किया था, वेटेड एवरेज में कुछ और किया था? नहीं। इसी तरह से सेल रिटर्न में क्या किया था कि जब इसको सेल करते हुए सामने रेट लिखा था, रिटर्न पे फिर वही रेट लिखा था। तो इसका फाइफो वेटेड एवरेज से ताल्लुक नहीं है, ये ऐसे ही करना है। इन्वेंट्री कार्ड करते हुए रिटर्न हमने उसी रेट के ऊपर रिटर्न रखनी है जिस पे वो ओरिजिनली ट्रांजेक्शन हुई थी, चाहे फाइफो हो चाहे वेटेड एवरेज हो। पहले तो ये क्लियर कर लो कि फाइफो वेटेड एवरेज से लिंक नहीं है ये बात। नहीं, पहले तो आप ये बात क्लियर कर लें, आपने कहा कि वेटेड एवरेज में भी ऐसे ही करते, तो हाँ वेटेड एवरेज में भी ऐसे ही करते, ठीक है, इसका फाइफो वेटेड एवरेज से ताल्लुक नहीं है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर ये नहीं बताया कि जो परचेज रिटर्न हुई है या सेल रिटर्न हुई है ये बेची किस दिन थी, ये किस दिन वाले में से हुई है, तो उसका मैंने हल बताया था कि इससे ऊपर जो भी थी उसमें से मान लें, जो भी इससे पहले हुई थी, यही है या कुछ और भी है? यहां तक पढ़े में से कोई और सवाल, कोई परेशानी? जी, क्यों हमने किसको एनआरबी से कंपेयर करना, किसकी कॉस्ट को? क्लोजिंग स्टॉक की। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट तक तो पहुंचे, जब क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे फिर उसको कॉस्ट और एनआरबी को कंपेयर करना है। और क्वेश्चन थ्री में से सवाल जी, इस पे आएगी बात आज, ये सवाल नहीं दोहराया मैंने, इस पे मैं करूंगा बात। क्वेश्चन थ्री और कल तक जितना पढ़ा उसमें से कोई परेशानी कंफ्यूजन है तो पूछे। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना बेटा, आप जब ग्रुप में कोई मैसेज पूछते हैं कि आपने लेक्चर में ये बात बताई थी तो ये आप दोबारा बता दें, तो मैंने पहले भी अर्ज की थी आप लेक्चर दोबारा सुना करें, तो आप लेक्चर दोबारा प्ले किया करें। और जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं आप लोग ना पहली कोशिश ये किया करें कि घर जाके सारा लेक्चर रिवाइज करें। अगर आपको लगता है ना आज वाला सब समझ आ गया, फिर भी रिवाइज किया करें जाके। जो सवाल क्लास में किया होगा वो तो मैंने किया होगा, वो सवाल भी आप दोबारा किया करें, उसके बाद होमवर्क किया करें। और जब तक एक चैप्टर चल रहा हो उस चैप्टर को आप रोज रिवाइज करते रहें, क्योंकि कोई चैप्टर होंगे जो 10-15 दिन ले जाएंगे। अब अगर आपने रोज रिवाइज नहीं किया होगा तो जब हम 14वें लेक्चर पे होंगे तो आपको पता नहीं होगा इसके दूसरे लेक्चर में क्या बात हुई थी। तो जो भी आप में से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, जो घटिया हैं निकम्मे हैं उनसे बात नहीं कर रहा, जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं जब तक चैप्टर चल रहा हो आप रोज का रोज उनके लेक्चर रिवाइज किया करें क्यूम्युलेटिव बेसिस पे। अगर किसी टॉपिक का नॉर्मल लेक्चर चल रहा है तो आप उस नॉर्मल लेक्चर लेने से पहले रोज 8वां लेक्चर रिवाइज करके आए हो। अगर आप ये काम करते रहेंगे ना, शुरू में थोड़ी मुश्किल लग रही होगी लेकिन इसका इतना जबरदस्त फायदा होगा। आजमाई भी बात है, एक पेपर होता था आईटी का, अब तो खैर वो उसमें है ना, एएफसी में, मेरे दौर में वो कैफ की फाइनल स्टेजेस में होता था। तो आईटी का मैं निकम्मा तरीन स्टूडेंट्स में से था, तो मुझे ना समझ आती थी ना वो याद होता था, डरता था बहुत उससे। तो उसका ये हल शुरू किया कि पहले दिन से ही रोज, पहले दिन से। अच्छा, आप में से कोई हाफिज़े कुरान है? अच्छी बात है। पहले दिन से मैं रोज यह करता था कि पहले दिन घर गया याद कर लिया, अगले दिन पहले पिछला रिवाइज किया फिर अगला याद किया, फिर तीसरे दिन पहले दोनों रिवाइज किए फिर अगला रिवाइज किया, फिर यानी रोज मैं पूरा सबक दोहराता था रोज। और ये करते करते टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि करता मैं रोज रोज याद था, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आया और ये सोच आया कि सिलेबस बहुत सारा है
तो मैं अभी ये सोच के पढ़ने बैठा ही था, और जब मैंने दोहराना शुरू किया तो मुझे सारा आता था। अगर ये ना रोज काम किया होता तो आखिरी महीने में इतना प्रेशर पड़ जाता, ऊपर से सब्जेक्ट से डरता था बहुत। तो आप लोग बेटा जब रोज का रोज पढ़ने की आदत डालेंगे ना, ये हाफिज़े कुरान का मैंने इसलिए पूछा था, वो सबकी और सबक और मंजिल, ये आप कंटिन्यूसली लोग रिवाइज करते रहते हैं तो याद रहते हैं। तो आप अगर अपने हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या आपको एक स्टूडेंट की एडवाइस कर रहा हूं कि अगर आप इस तरह से करना शुरू कर देना कि क्यूमुलेटिव बेसिस पर रिवाइज करना शुरू कर दें, तो आगे चल के बहुत आसानी हो जाएगी आपकी। सवाल पूछ रहे थे शायद आपको जी। अच्छा, सवाल ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये बताया नहीं है कि पीरियोडिक है कि परपेचुअल है। तो आपको ये डेट्स पता होंगी तो परपेचुअल लगा सकेंगे ना। तो अगर ट्रांजेक्शन की डेट्स नहीं है तो आप परपेचुअल लगा ही नहीं सकते, तो फिर लगाना ही पीरियोडिक पड़ेगा। कल मैंने क्लास के एंड पे जो सवाल लिखवाया था वो डाटा दोबारा बताइएगा, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने थे कल एंड पे जो सवाल लिखवाया था? 500 यूनिट्स थे, कॉस्ट पर यूनिट 35 थी, और एनआरवी जो निकाल ली थी वो निकाल ली हुई थी 38.75। अच्छा, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन में से लोअर 35 है और फिर इसको 500 से मल्टीप्लाई करें, 17500। एक ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 35 × 500 करें, 17500, और 38.75 × 500 करें, 19375। और इन में से लोअर देख लें, तो दोनों ठीक है। ऐसे करना, ऐसे कर लें, ऐसे करना, ऐसे कर लें। चाहे आप कॉस्ट और एनआरपी पर यूनिट कंपेयर कर लें और उनमें से जो लोअर हो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, या चाहे आप ऐसे कर लें कि जिस इन्वेंट्री की हम वैल्यू लगा रहे इसको इसको कंपेयर कर लें, ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन इन दोनों में से ये प्रेफर्ड, ये अफजल है, और उसकी रीजन भी आज अभी प्रैक्टिस में ले आऊंगा मैं। लेकिन किन हालात में हम इससे भी काम चला लिया करेंगे वो प्रैक्टिस से ही आइडिया हो सकेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। सवाल लिखें, इस सवाल से मैं आपको ये बात मजीद क्लियर कर रहा हूं जो मैंने अभी बताई। क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं वो है 400, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स 400 हैं, और इनकी जो कॉस्ट है वो फाइफो के तहत ऐसे निकली हुई है। यूनिट्स कितने आए मैंने? 400। इतने 36 पर यूनिट वाले और इतने 40 पर यूनिट वाले, कितना बनाइए? 6 4 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0
और इनकी एनआरवी पर यूनिट सिनेरियो ए, यानी दो वैरायटियां बता रहा हूं, जो एनआरवी पर यूनिट है, पहला सिनेरियो ए वो है 43 पर यूनिट, और सिनेरियो बी बाद में बताता हूं। पहले सिनेरियो ए देखते हैं। रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है,
अच्छा, ये प्रोडक्ट एक ही है, ये प्रोडक्ट एक ही है, उसी के 400 यूनिट से। पहला सिनेरियो, एनआरवी कितनी है? 43। तो 400 यूनिट्स, 43 कितना हो गया? 17,000। ये हो गई एनआरवी और ये कॉस्ट है, तो क्या बेहतर है? कॉस्ट बेहतर है। अभी मैंने किसको कंपेयर किया, टोटल को के पर यूनिट को? टोटल को, जैसे जो भी यहां लिखा था कि टोटल कंपेयर कर ले। चले ऐसे कर लेते हैं, 180 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? नहीं, पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 36। एनआरवी क्या है? 43। तो 36 और 43 कौन सी यूज करें? 36। ये लोअर है। अच्छा, 220 यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट कितनी? 40। एनआरवी कितनी? 40। तो 40 और 43 में से कौन सी यूज करें? 40। तो इन दोनों तरीकों में क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, काले वाले में? अच्छा, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट एक ही है, इस प्रोडक्ट के जितने यूनिट थे उनकी टोटल कॉस्ट निकाली, टोटल एनआरवी निकाली, उनको कंपेयर कर लिया। और ये नीले वाले में क्या किया, पर यूनिट कॉस्ट को पर यूनिट एनआरवी से कंपेयर किया और लोअर वाला यूज कर लिया। दोनों से आंसर सेम आया ना? यहां तक कोई बात इख्तलाफ? जी, कल वाले साल की बात कर रहे हैं? नहीं, आप कह रहे थे मैंने परचेजेस के रेट को कंपेयर कर लिया, मैं कह रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक के रेट को कंपेयर करना है। 400 क्लोजिंग स्टॉक है, तो 40 क्या है, किसका पर यूनिट रेट है? क्लोजिंग स्टॉक का है ना। साल में 1000 तरह की परचेजेस थी, ये 400 उन आखिरी दो परचेजेस में से बचे हुए थे, तो वो जो बाकी 988 परचेजेस थी उनके भी मैंने कहीं रेट लिखे हैं, यहां उनकी भी एनआरवी से कंपैरिजन किया। नहीं क्या ना, किसके लिए एनआरवी का कंपैरिजन लेके आए? क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक तो देख लें कितना है। ये जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा रिकैप, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होती है जो आइटम्स स्टोर में पड़ी हुई हैं। अब अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स बेचने के लिए रखी हुई है, इन्वेंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हो सकता है वो स्टोर में रॉ मटेरियल की शक्ल में पड़ा हुआ है, यूज होना है। मशीनों में इस वक्त मौजूद है, वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में, प्रोसेस कॉस्टिंग में जाके पड़ेंगे, या गुड्स की शक्ल में स्टोर में मौजूद है, ये है इन्वेंट्री। इस इन्वेंट्री से रिलेटेड आगे ये पढ़ा के अच्छा इसकी कोई अमाउंट भी तो होनी चाहिए, तो उसकी अमाउंट होती है साल के एंड पे जब इन्वेंट्री को बुक्स में दिखाना है तो उसकी कोई अमाउंट होनी चाहिए, तो अमाउंट होती है कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर। फिर हमने कॉस्ट पढ़नी शुरू की। कॉस्ट ये थी कि जो भी इन्वेंट्री जहां भी जिस हालत में भी है वहां तक लाने के लिए क्या क्या खर्च किया था, ये उसकी कॉस्ट है। और एनआरवी क्या है कि अब जहां इन्वेंट्री मौजूद है यहां से आगे हमने क्या करना है, तो अब यहां से आगे हमने इसको बेचना है, तो अब यहां से ऑनवर्ड जो जो होगा उसका नेट एनआरवी, कि ये खर्चा होगा और इतने का बिकेगा, इसका नेट एनआरवी है। इनमें से जो लोअर है, अच्छा इनमें से लोअर को क्यों, ये भी नॉलेज के लिए समझा देता हूं आज, अभी बस लोअर। तो इन्वेंट्री साल के एंड पे जो बची हुई है उसकी वैल्यू करनी है कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर है। कॉस्ट कैसे निकालनी है, दो दिन इस पे लगा दिए, पढ़ ली कॉस्ट। एनआरवी कैसे निकालनी है, ये मैंने कल पढ़ाना शुरू किया है। तो हमने एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन किन चीजों का करना है, क्लोजिंग स्टॉक का। तो एक बार क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाए कितना है, उसकी कॉस्ट हो उसकी एनआरवी से कंपेयर करना है। अभी इस वक्त सामने जो बात डिस्कस कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि कंपैरिजन क्या हम टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी का कर लें या पर यूनिट कॉस्ट और पर यूनिट एनआरवी का कर लें, ये बात चल रही है इस वक्त। तो अभी बाहर क्या नजर आ रहा है कि टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी कंपेयर कर लें या पर यूनिट कॉस्ट और पर यूनिट एनआरवी कंपेयर कर लें। अभी तक क्या इसमें दोनों सेम नजर आ रहे हैं ना, अभी तक ये देख लें सेम है। कल कौन सा क्वेश्चन? वही अभी कर रहा हूँ डिस्कस। अभी तक जितना ये सामने बोर्ड पे आया, चाहे टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी कंपेयर कर लें चाहे पर यूनिट कंपेयर कर लें, दोनों ठीक लग रहे हैं ना। सिनेरियो बी लिखे अब। एनआरवी है 39,
एनआरबी पर यूनिट 39 है, 39 रुपए, एनआरबी 39 है। अब अगर मैं टोटल वाले तरीके से चलूं तो कॉस्ट 180, 36, 220, 40, 15, 280 और एनआरबी कितनी, 400 इंटू 39, 15, 600। तो क्या लोअर है? लेकिन अगर हम ये नीले वाले तरीके से करें तो 180 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट कितनी, 36, एनआरवी कितनी, तो 36 ले लेते हैं। 220 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट कितनी, एनआरवी कितनी, 1506। ये तो बात बदल गई। जी क्या हुआ? तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। है जी, क्या हुआ, क्या जानबूझ के किया है? हाँ, यही सिखा रहा था ना। तो ये वाला तरीका गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? इसके लिए पहले ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं नॉलेज के लिए कि लोअर क्यों, मतलब क्यों कॉस्ट और एनआरबी में से लोअर, पहले इसकी रीजन समझ लें, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर डेटर हमारी बैलेंस शीट में 50,000 रुपए में है और हमें उम्मीद है कि इसमें से 5,000 नहीं मिलेगा, तो ढीठ बन के 50,000 का ही एसेट शो करते रहे या उसको 45 पे ले आए? क्यों? क्वेश्चन रिपीट करूं, डेटर है 50,000, ईयर एंड पे हमने से पैसे लेने हैं, हमें उम्मीद है कि इसमें से 5,000 नहीं मिलेंगे, तो क्या फिर भी हम इसको 50,000 ही एसेट शो करें या 45 पे ले जाए? है नी, प्रोविजन बनाएं या राइट ऑफ करें, जो भी करें, डेटर अल्टीमेटली 50 रखें या 45 पे ले, लेकिन क्या पता पूरे मिल जाए। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एसेट्स बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं और हमें लगता है कि इनकी वो औकात है नहीं, तो इनको औकात पे ले आना चाहिए, क्योंकि एसेट होता है जिससे मिलने हैं फ्यूचर बेनिफिट्स। तो अगर हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते नजर आ ही नहीं रहे तो फिर बढ़ा चढ़ा के दिखाने की क्या जरूरत है? तो एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए, इनको अपनी औकात पे रख लेना चाहिए। अच्छा, इसी वजह से हम इसको 50 से कम करके 45 पे ले आएंगे। इसी तरह से इन्वेंट्री है जो कि हमने 20,000 रुपए की खरीदी थी, साल के एंड पे बची हुई है, हमारी बुक्स में डेबिट क्रेडिट के मुताबिक ये 20,000 हमारी बुक्स में मौजूद है, क्योंकि हमने 20 की खरीदी थी तो उसी की अकाउंटिंग हुई भी है ना, तो हमारी बुक्स के अंदर बैलेंस इसका 20,000 मौजूद है। हमें बहुत उम्मीद है, बहुत यकीन है कि हम इसको 35,000 का तो बेच ही लेंगे, तो हम इस इन्वेंट्री को 20 से चेंज करके 35 पे ले जाएंगे, 20 ही रखेंगे। अगर हमें 35 का बिक जाना है, खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 ही रहेगा क्योंकि हमारी बुक्स में 20 है, क्योंकि हमें ये पड़ा 20 का है, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन 20 की है, हमें रिकॉर्ड ही 20 को किया है, तो हमारी बुक्स में तो 20 ही है। एज लॉन्ग एज हमें ये 20 या 20 से ज्यादा का बिकता नजर आ रहा है, हम खुश हैं और इन्वेंट्री 20 पे ही रहने देंगे। लेकिन अगर अभी ही पता चल गया कि अब इनकी वो वैल्यू रही नहीं है मार्केट में, मुश्किल से 17,000 के बिकेंगे, तो अब भी इनको एहतरामन 20 का कहते हैं? नहीं, अब इनकी औकात ही 17 रह गई है, तो हमें इसको बैलेंस शीट में 20 रखना चाहिए या कम करके 17 पे ले आना चाहिए? ये होता है कि कॉस्ट अगर 20 है और एनआरवी 35 है तो बस ठीक है, इसको चलाते रहे। लेकिन अगर कॉस्ट 20 है और एनआरवी 17 है तो फिर बिला वजह इसको बढ़ा चढ़ा के ना दिखाएं, इसको रिड्यूस करके 17 बना लें। पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना। अब इसको वर्डिंग क्या बन गई कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये रूल बना लिया। कॉन्सेप्ट लॉजिक पीछे ये है कि हमने बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना,
हमारी बुक्स में 20,000 अकाउंटेड फॉर है, अगर इससे ज्यादा मिलता नजर आ रहा है तो खुशी की बात है, लेकिन अगर इससे कम मिलता नजर आ रहा है तो फिर उसको कम कर लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है पीछे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का। तो जो यूनिट्स 400 यूनिट्स हमारे स्टॉक में मौजूद हैं, ये हमें 400 के 400 एक ही तरह के बिकेंगे, यानी ये 400 के 400 39 रुपए के बिकेंगे, एक जैसे ही हैं बिल्कुल। क्या इनमें से कुछ महंगे मिले हैं, कुछ सस्ते मिले हैं? ये तो हमारे मेथड का कसूर है। अगर वेटेड एवरेज यूज कर रहे होते तो फिर सब एक जैसे होते हैं ना। तो ये तो हमारे मेथड का कसूर है कि हमें कुछ महंगे नजर आ रहे हैं, कुछ सस्ते नजर आ रहे हैं। क्या पता एवरेज मेथड होता, दोनों ही मिला के 38 के नजर आ रहे होते। तो हमारे इस मेथड के कसूर का असर इस पे नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, अगर वेटेड एवरेज होता और इनका एवरेज 37 होता तो फिर तो कॉस्ट ही लोअर होती ना। देखें, एनआरवी और कॉस्ट कंपैरिजन का मकसद ये है कि अगर कुछ चीजों की औकात अब कम हो गई है तो इन बेचारों की औकात नहीं कम हुई है। ये 15 के खरीदे में और 15-600 के बिक सकते हैं अभी भी, तो क्या इनकी औकात कम हो गई है? लेकिन पर यूनिट के कंपैरिजन से क्या नुकसान हुआ कि हमें लग रहा है कि कम हो गई औकात? अगर फाइफो हुआ तो यह नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं करेंगे, हम इस पे ही चलेंगे। हाँ, अगर ये डिफरेंट रेट्स का मसला ना होता, जैसे अभी क्लास के शुरू में लिखे हुए सवाल में था जी सिनेरियो ए, तो फिर आप चाहे टोटल करके सॉल्व कर लें, चाहे पर यूनिट करके, बन के लिखा ही हुआ है मैंने भी, ये मैं नहीं कल जो किया था, कल क्लास में जो किया था, कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 35 ना, सबकी पर 35 ही थी और एनआरवी। तो अब आप 35 और 38 को कंपेयर कर लें, चाहे टोटल हजारों हजारों को कंपेयर कर लें, तो काम चल रहा था। लेकिन अगर पर यूनिट कॉस्ट फाइफो की वजह से अलग अलग आ रही है तो फिर पर यूनिट कंपेयर करने में हो जाएगी गलती। जी बात दोबारा सुने, असल में कंपेरिजन इसी का है, लेकिन कल पर यूनिट का कंपेरिजन से भी क्यों काम चल गया था? क्योंकि रेट सेम था, तो उससे काम चला लिया था, वरना असल में करना टोटल सही चाहिए था। यहां पर काम क्यों नहीं चल सका? क्योंकि रेट पर यूनिट फर्क है। तो इसलिए हमें कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन रेट को नहीं करना, टोटल को लेके चलना। ये मैंने भी कहा था कि टोटल वाला काम करना। जी हमारे 400 के 400 यूनिट्स एक जैसे हैं या डिफरेंट है? एक जैसे हैं। तो वो जब एक जैसे हैं तो फिर उनमें सौदेलों का स्वरूप तो नहीं करेंगे ना। अगर उनमें से कुछ को साइड पे कर देंगे तो कहेंगे जी हम भी उनके तो जैसे ही हैं, तो हमारा क्या कसूर है? हमने भी 39 का बिकना है, उन्होंने भी 39 का बिकना है, फिर हमें आप क्यों कह रहे हैं हमारी औकात कम है? लेकिन वो कॉस्टिंग मेथड का कसूर है, चीजें तो वो एक जैसी हैं, चीजें तो एक जैसी हैं कि नहीं? ये तो कॉस्टिंग मेथड का कसूर है ना। ये 220 39 के हैं, नहीं ये किधर गए? 220 40 के नहीं, हमारे कॉस्टिंग मेथड का मसला है। ये तो एक फाइफो मेथड की इटसेल्फ एक फ्लॉ है। ये जो फाइफो मेथड है, क्या वाकई ये फिजिकली भी वही चल रहा होता है काम? क्या वाकई फिजिकली पुराने बिक गए होते हैं और नए पड़े होते हैं? नहीं, क्या पता फिजिकली पुराने ही पड़े। और अगर आप कभी इस बात पर ध्यान देना, तो दुकानों से अगर कोई चीज खरीदे ना, तो वो शेल्फ में से बिल्कुल नीचे से चीज निकाल के देगा, नहीं ऊपर से उठाएगा और दे देगा, और अगली दफा चीज खरीदेगा तो ऊपर लाके रख लेगा। तो प्रैक्टिकली तो पुरानी चीजें पड़ी रह जाती हैं। ये तो बस एक मेथड है फाइफो। तो इस मेथड का कसूर इन बाकियों को सजा क्यों मिले? तो इसलिए हमने कंपेयर 15,280 और 15,600 को करना है। अच्छा, ये बात रूल यही याद रखें, ये जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आ गई समझ लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो करना तो ऐसे ही। अच्छा, बाकी इसमें मजीद कुछ एडवांस चीजें लिखें और उसके बाद सवाल पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है उन्हीं को करने के बाद आपके सवाल वहीं रिजॉल्व हो जाए। एनआरबी के हवाले से कुछ एडवांस मसले देखते हैं। मैंने कल एनआरबी की हेडिंग दे दी हुई है और अब हम एनआरबी को पढ़ रहे हैं। एनआरबी से रिलेटेड अब कुछ मसाइल देख लें, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एनआरबी कुछ इस तरह की बात कह दें।
एनआरवी की कैलकुलेशन और उसके कंपैरिजन के हवाले से कुछ जरूरी बातें बता रहा हूं, समझाता जाता हूं, फिर आपको मैं अंग्रेजी भी लिखवाता जाऊंगा, अंग्रेजी और उर्दू जो भी लेकिन लिखवाता जाऊंगा, समझते जाते हैं मेरे साथ साथ। चार तरह के प्रोडक्ट्स हैं इन्वेंट्री में पड़े हुए, इनकी कॉस्ट जो है वो 400 है, इसकी कॉस्ट 700 है, 360 है और 200 है, टोटल 360। कौन सा? जी जी जी, मैंने आपसे कहा है कि अभी आप सवाल पूछने बंद कर दें, मैं आपको एनआरवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने लगा हूँ, समझाता जाऊंगा लिखवाता जाऊंगा, कुछ पहले लिखाऊंगा बाद में समझाऊंगा, कुछ पहले समझाऊंगा बाद में लिखाऊंगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनआरवी शुरू हो गए, तो पहले लिख लीजिएगा फिर ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। क्या जी? कॉस्ट क्यों ऐड करवा रहा हूं? ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, इन्वेंट्री में चार प्रोडक्ट्स पड़े, सबका एक एक यूनिट है, ठीक है, सबका एक एक यूनिट पड़ा हुआ है, इसकी कॉस्ट एनआरबी, कॉस्ट और एनआरबी अभी मैंने आपको समझाया है कि इनमें से लोअर क्यों ले रहे होते हैं, कि हम एसेट बढ़ा चढ़ा के ना कहीं बता जाए। बुक्स में अभी क्या मौजूद होता है? कॉस्ट, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा कॉस्ट है, क्योंकि वो खर्चा हुआ था, डेबिट क्रेडिट कॉस्ट हुई हुई है, हम भी सिर्फ ये इंश्योर करना चाह रहे होते हैं कि ये जो हमारी बुक्स में मौजूद है ये औकात से ज्यादा तो नहीं है, अगर एनआरबी ज्यादा है तो बस ठीक है, लेकिन अगर एनआरबी कम है तो उसको कम करके एनआरबी पे ले आना चाहिए, ये मकसद है कॉस्ट और एनआरबी कंपेरिजन का। अब सामने एक डाटा लिखा है बैलेंस शीट में 1660 जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. सही किया ये कंपैरिजन, क्यों? अभी तो मैंने कहा था टोटल करना, चूंकि प्रोडक्ट अलग अलग हैं, अब हो सकता है कि इनकी औकात अब वो ना रही हो, लेकिन अगर हमने इनको और इनको कंपेयर कर लिया तो एक की अच्छाई में दूसरे की बुराई छुप जाएगी, ये सही नहीं है, तो हमें फिर कंपैरिजन इन दोनों का नहीं करना, हमें कंपैरिजन करना है 400 और 380 का, और उसमें से 380 ले लेंगे। ये होगी इन्वेंट्री की सही वैल्यू, ये सही है। तो अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें से यकीनन कोई अच्छा ज्यादा अच्छा, थोड़ा अच्छा, बुरा ज्यादा बुरा हो सकता है, तो अगर उन सबको हमने ग्रैंड टोटल कंपेयर कर लिया तो फिर ये फेयर नहीं होगा। तो पहली नसीहत लिख लें कि ये जो एनआरबी और कॉस्ट का कंपेरिजन है ये हर प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से अलग अलग करना है। चलिए लिखवाता हूँ, लिखवाता हूँ अंग्रेजी कंपैरिजन ऑफ, पहले अंग्रेजी लिख लें फिर ये उसकी एग्जाम्पल नोट कर लें। नंबर वन पॉइंट बता रहा हूँ, किस चीज़ का नंबर वन, क्या पढ़ रहे हो? मैं आपको एनआरबी के हवाले से कुछ नसीहतें कर रहा हूँ, उसमें से पहला पॉइंट लिखवा रहा हूँ, कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी, कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी शुड बी मेड Separately for each product, हर product के लिए अलग अलग करना है। अब इसकी मिसाल में आप ये लिख लेना जो सामने किया है।
हाँ जी नोटेड भी और समझ भी आ गया। चले अगली बात देखते हैं। प्रोडक्ट ए के 110 यूनिट्स हैं। अब इन 110 यूनिट्स में से भी एक एक करके कॉस्ट वर्सेस एनआरवी करें? नहीं, इनको तो इकट्ठे ही करेंगे। ये जो मैंने अलग अलग कंपैरिजन की बात की, ये प्रोडक्ट के लिए कहा है। अगर एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल यूनिट्स हैं, उनमें नहीं अलग अलग कंपैरिजन करने बैठ जाना। ये तो एक एक अंडा उठा के चेक कर रहे हैं गंदा है कि नहीं, ये काम नहीं हम कर रहे हैं। हमें एक प्रोडक्ट के यूनिट्स को टोटल में ही कॉस्ट एनआरवी कंपेयर करना है। हाँ, अगर ऐसा है कि ये एक जैसे नहीं है, क्यों एक जैसे नहीं है? क्योंकि किसी वजह से इनमें से 20 यूनिट जो है वो डैमेज्ड है, पता है डैमेज्ड है, डिफेक्टिव है, बाकी 90 ठीक है। तो क्या अब इनकी औकात सेम है? नहीं। अब क्या करें? अब हमें इन 20 का कंपैरिजन अलहदा और 90 का अलहदा करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? चलिए, ये तो अपने लिए उर्दू में लिख देना कि अगर एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूनिट्स हैं तो उनका तो हम टोटल ही एनआरवी कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे। ये बात तो मैंने भी कुछ देर पहले भी कही है, ये जो फाइफो वाली बात समझा रहा था, ये तो वही बात इनफैक्ट रिपीट की है मैंने कि एक प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं उनके लिए हम टोटल कंपैरिजन ही कर रहे हैं उनके कॉस्ट एनआरवी का। लेकिन अगर उनमें कुछ डिफेक्टिव हैं तो उन डिफेक्टिव के लिए कंपैरिजन अलहदा रखना है और गुड के लिए अलहदा रखना है। हाँ जी, ये भी नोटेड। एनआरवी कैसे निकालते हैं? एनआरवी लोअर नहीं है, सेलिंग प्राइस में से वो खर्चे माइनस करेंगे जो हो चुके, जो होने। एनआरवी फ्यूचर की चीजें, इसमें कुछ भी पास्ट नहीं है। सेल प्राइस निकालने के हवाले से आपको एक सिनेरियो सिचुएशन समझाता हूं और वो पूरा समझ लें, लेकिन मैं उसकी अंग्रेजी नहीं लिखवा रहा, क्योंकि जो मैं कहता हूं ना कि इनकी अंग्रेजी मैं नहीं लिखाऊंगा, आप खुद लिखें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा कि वो समझ तो आ जाएंगी, लेकिन उनकी कोडिंग हर एक अपने अपने हिसाब से कर सकता है। कोडिंग मतलब, क्योंकि कुछ चीजें जो बहुत मुश्किल से समझने वाली होंगी, अगर मैं उनकी कोडिंग कर दूंगा तो वो हो सकता है मेरे लिहाज से वो अंग्रेजी बनती हो, आपको लगता हो कि नहीं ये ज्यादा मुश्किल तरीके से लिखा गया। उनके बारे में मैं कहता हूं कि इनकी अंग्रेजी मैं नहीं बता रहा, खुद लिखे। ये नहीं कि मेरी अंग्रेजी फंसनी शुरू हो जाती, मैं रुक जाता हूं। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि इनको आप खुद अपने हिसाब से कोड कर लें, वो कोड करें जो कल को डीकोड भी कर सके। तो इसलिए कुछ चीजें हुआ करेंगी जो मैं आप पे छोड़ दिया करूंगा, तो ये उनमें से एक है। हम इस वक्त 2021 के एंड पे खड़े हैं और अभी हमारे पास स्टॉक में कुछ आइटम मौजूद हैं जिनकी हम एनआरवी निकाल रहे हैं। ये पास्ट है और ये आगे से फ्यूचर है। इस पूरे साल में या तो कह लें कि ऑन एन एवरेज
या कह लें कि अभी मोस्ट रिसेंट या लेटेस्ट, हम इस पूरे साल में इसको बेचते आए होंगे इस तरह की चीजों को, तो हम अभी तक जो पूरे साल में बेचते आए हैं, हम इसको बेचते आए हैं 440 का। लेकिन अब से ऑनवर्ड हालात मार्केट में चेंज हो रहे हैं। ये इधर पास्ट है और यहां इधर फ्यूचर है। अब हो रहे मार्केट में हालात चेंज, और हालात चेंज होने की वजह से जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने इसी से मिलते जुलते प्रोडक्ट, कंपेटिटर ही तब है जब इसी तरह के मिलते मिलते भेजते हैं। तो अब मार्केट के अंदर जो कंपेटिटर्स ने प्राइस कर ली हुई है या उम्मीद है कि अगले हफ्ते दो हफ्ते में वो कर लेंगे, वो इसको 380 पे ले जाएंगे। लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक तो इनसे बेहतर है, दूसरा हमारी सेल्स टीम भी इनसे बेहतर है, तो समहाउ हम इसको फिर भी 395 का बेच पाएंगे। अब आपके सामने तीन वैल्यूज आ गई है जो प्रोडक्ट ईयर एंड पे मौजूद है, उसकी बात हो रही है कि इस प्रोडक्ट की हम एनआरवी निकालना चाह रहे हैं, इसको हम नॉर्मली पहले इतने का बेचते आए हैं, लेकिन अब हालात डिफरेंट हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, नए प्रोडक्ट आ गए हैं, इससे मिलते जुलते जो हमारे कंपटीटर हैं वो 380 पे उम्मीदा चले जाएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं चले गए हैं, हो सकता है हफ्ता 10 दिन ही डाउन कर लें, या जब तक ये बिकेगा हो सकता है 25 दिन बाद जाके बिके, तब तक ये हालात हो चुके होंगे, लेकिन हम फिर भी इतने का बेच लेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इनसे हो सकता है फिर भी बेहतर हो। अब तीन फिगर्स अवेलेबल हैं, हम ईयर एंड पे खड़े हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, एनआरवी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सेल प्राइस क्या रखें? एनआरवी की कैलकुलेशन पूछ रहा हूं, एनआरवी की कैलकुलेशन में एक्सपेक्टेड सेल प्राइस क्या रखें? 395 क्यों? अच्छा, चलिए मैं जवाब देता हूं। एक और सवाल, अगर ये दो होते बस तो फिर 380। चले इसका भी जवाब देते हैं, अगर ये भी ना पता होता तो 440, लेकिन वो तो पास्ट है तो उम्मीद है वही कंटिन्यू रह जाएगा। अब इसकी मैं आपको रैंकिंग करके दे रहा हूं, क्या मतलब है इस बात का कि अगर ये सब है तो ये यूज करनी है हमने, क्योंकि एनआरवी होती है कि हम कितने का बेच लेंगे, बाकी दुनिया जितना मर्जी का बेचे हमें क्या लगता है हम कितने का बेच लेंगे, तो एनआरवी निकालने के लिए टॉप प्रायोरिटी है। हाँ, अगर ये नहीं है तो पास्ट और फ्यूचर में से ये, लेकिन अगर ये फ्यूचर का कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो जो भी लेटेस्ट थी उम्मीद है आगे भी वही चल जाएगी। तो एनआरवी निकालते हुए सेल प्राइस में ये मैंने रैंकिंग, ये प्रायोरिटी बताई। अब ये बात अगर समझ आई है तो अभी लिख लें, नहीं तो फिर पूछ लें जो कंफ्यूजन है। ये बात आई समझ? क्या जी? एक्सपेक्टेड क्यों? देखें, स्टॉक हमारा है तो इसको बेचना भी तो हमने ही है ना, तो अगर हमें लग रहा है कि हम 395 का बेच लेंगे तो बेच लेंगे। तो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड, इसलिए तो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। लेकिन एनआरवी का कॉन्सेप्ट यही है कि हम कितना हासिल कर लेंगे इससे, तो हम अगर लगता है 395 का बेच लेंगे तो 395 का बेच लेंगे। देखिए फ्यूचर में तो फिर एक्सपेक्टेड ही है ना सारा कुछ। ये बात समझ आइए, कुछ क्लियर करना है तो पूछ लें जी। हाँ, तो अगर ये ना हो तब की बात है, हमें इससे इतना अंदाजा हो रहा है कि अब वो बाहरें नहीं रही, वो जो पहले हो रही थी ऐसी अब वो नहीं है, अब कंपटीशन इतना हो गया है कि जब उन्होंने प्राइस डाउन कर लिया तो उम्मीद है हमें भी करनी पड़ेगी, और ये एक रिलायबल एस्टिमेट है, फिर हम भी इसी नहीं कर लेंगे फिर, वरना प्रायोरिटी ये है, ये नहीं है तो फिर ये काम चला लेंगे, उससे ये बेहतर है जी। अगर अच्छा, अगर ये 380 है और ये 370 है तो 370 हम कितने का बेच लेंगे? बात ये नहीं है कि इनमें से हायर नहीं, हम कितने का बेच लेंगे? एंटिटीज एक्सपेक्टेड प्राइस,
ये प्रायोरिटी है, ये नहीं है तो ये चल जाएगा, ये भी नहीं है तो फिर वो चल जाएगा। अच्छा मैंने ये 1, 2 और ये 3 वैल्यूज देख के नहीं किया है, आप इसको 25 रुपए कर लें। हाँ जी एक्सपेक्ट, देखें वैल्यूएशन का मकसद ये नहीं है कि बस हम किसी खराब तरीन घटिया तरीन मार्केट में जाएं, बस फेंकने की करें, बस सस्ती बेच के आएं। नहीं, बिजनेस लॉजिक तो लगेगी, हम क्यों सस्ती बेचेंगे भाई, बिजनेस लॉजिक्स अपनी जगह लगाएंगी। और इस बात को भी मैं अगला जो नोट लिखवाना है उसमें और वाजे कर दूंगा कि बिजनेस लॉजिक्स लगनी है। अब हमें जो बिजनेस करने के लिए बेस्ट लग रहा है वो ये है कि हम 395 का तो बेच लेंगे, अपनी हैसियत ये है कि 395 का बेच लेंगे, बस हम कितने का बेच लेंगे ये होती है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। अगर ये ना होती तो हम इससे काम चला सकते थे कि अगर बाकी इतने का बेचेंगे तो शायद हम भी इतने का बेच लें, ये भी ना होती तो इससे काम चला सकते थे कि अगर पहले इतने का बेचते तो शायद आगे भी इतने का बेच लेंगे। मेरे इल्म में तो नहीं। और इससे रिलेटेड कंफ्यूजन, अब ये इस तरह का जो मसला है ना, ये मैं आपको अपने अल्फाज में नहीं लिखवा सकता, ये आप हर कोई अपने हिसाब से देखे, अपना कोड बनाए, लेकिन वो लिखे जो कल उसको पता भी उसने क्या लिखा था। चलिए अब खामोशी से लिख लें, अभी और कुछ ना पूछें, पहले ये लिख लें, ये ना दिमाग से निकल जाए बातें, पहले लिख लें। हाँ जी नोटेड। yes, चले आप पूछा, हम क्या पूछ रहे थे। अगली बात, हमारे पास स्टॉक में कुछ डिफेक्टिव चीजें पड़ी हुई हैं और इनकी कॉस्ट 700 रुपए है, खैर कॉस्ट तो एम लिख दी मैंने, डिफेक्टिव चीजें पड़ी हुई हैं। अब ये जो डिफेक्टिव चीजें हैं इनके बारे में हमारे पास दो रस्ते हैं, या तो हम इनको ऐसे ही बेच दें, अगर एज इट इज बेचा तो हो सकता है हम ये 480 की बेच पाए, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले करेंगे रिपेयर और रिपेयर के ऊपर हम 100 रुपए खर्च करेंगे और उसके बाद हम इसको 570 का बेच पाएंगे, तो एनआरवी क्या होगी? 480. एनआरवी हम क्या लेंगे? 480 और 470. अच्छा 470 तो क्यों? लगा दिया है, हाँ नहीं तो पूछ रहा हूँ 470 या, हाँ तो वजह 470 क्यों, 480 क्यों नहीं, जो 470 कह रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ जी। अरे ऐसे भी बेच सकते हैं, ये भी है, ये भी दुकान है, कबाड़ियों को बेच देंगे जाके, हमारे पास दो हल हैं। क्या बात? नहीं, हमारे हमारे पास खराब चीजें हैं
तो हम वो खराब चीजें या तो ऐसे ही किसी को बेच आए जाके, हम नहीं कबाड़िए, किसी कबाड़िए को बेच आए। हमने क्या शुरू नहीं की, आप क्या करें, नहीं नहीं धोखा नहीं दे रहे, हम धोखा नहीं दे रहे। खराब कभी घर में कोई रद्दी पुरानी जूतियां बेची हैं, बेचते हैं ना, तो क्या बिजनेस है हमारा क्या? नहीं, पता है कि फलानी जगह बिकती है, बेच देते हैं जाके, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये हम किसी को धोखा नहीं, ऐसा नहीं है कि धोखा देंगे कि नहीं नहीं सही है ले लो रख लो, धोखा नहीं दे रहे। पता है कि खराब चीजें हैं और पता है कि कोई दुकान है जो खराब चीजें सस्ते में खरीद लेते हैं, तो वहां ये हमें बेचने की एक ऑफर मिल रही। तो एनआरवी 470 या 480? 470 क्यों? कॉस्ट कम आ रही है। नहीं तो आपने कहा 470, मैंने 470 पूछा है। 470 जिनको लगता है, रीजन पूछना 470 की, जिसको लगता है कि 470। अच्छा, जब आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ और उसमें फिर इंटरेक्शन है और मैं उसके वजह बता रहा होता हूँ, जो कोई गलत भी बताएगा और मैं उसके कहूंगा अच्छा इसकी वजह बताएं, तो मकसद को बेइज्जती करना नहीं होता है। मकसद ये होता है कि जिसने जो गलत बताया है, अगर उसने कुछ सोच के गलत बताया है तो फिर वो सोच ठीक करनी है कि नहीं करनी है। इसलिए मैं पूछता हूं कि जो गलत बता रहा है तो वो वजह क्या है उसकी। तो जो 470 गलत है, अब जो 470 बता रहा है तो वो किस वजह से 470 है? हाँ जी बेटा, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, कोड़े नहीं पड़ने लगे तुम्हारा जवाब गलत हो गया। अगर कॉन्सेप्ट गलत है तो उसको ठीक करना है ना। तो 470 लगता है किसी को कि नहीं लगता? क्यों 470? तो ये भी एक्सपेक्टेड ही है। नहीं, एज इट इज का मतलब है कि जैसा है वैसा, तो ये भी अभी है। हाँ जी हाँ जी सही है, ठीक है, शाबाश, सही है। चलें ठीक है, मैं बताता हूं। अगर तो एंटिटी ने फैसला कर लिया है कि हमने तो रिपेयर करके बेचना है, तो फिर 470 है। अगर एंटिटी ने फैसला कर लिया हुआ है कि नहीं हमने वैसे ही बेचना है, तो 480 है। लेकिन अगर नहीं, ऑप्शंस हैं। मैं असल में आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे लगता है बाद में एक जुमला जहन में बैठ जाता है कि लोअर ऑफ लोअर 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 ऑफ कॉस्ट, तो लोअर जहन में बैठ जाता है। हाँ जी, लोअर लोअर। बात ये नहीं है कि कम तरीन वैल्यू, ये जो रूल बनते हैं उनका मकसद ये नहीं है कि बस किसी तरह बिजनेस बर्बाद हो जाए, सही, बस किसी तरह चीजें सस्ती बेच दे, बस ये नहीं है। बिजनेस लॉजिक्स प्रिवेल करेंगी। अब सिंपल बिजनेस लॉजिक वाली बात है कि कोई 470 पे क्यों बेचेगा जब वो 480 का बेच पा रहा है। तो इसलिए अगर हमारे पास बेचने की मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो एनआरवी किस पे बेस्ड होगी? जो हाईएस्ट आ रही होगी। अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल लॉजिक है, इसके पीछे कोई उलमा का रूल नहीं है, ये सिंपल लॉजिकल बात है। तो इसके लिए नोट ये है कि अगर एक से ज्यादा बेचने की ऑप्शंस हैं तो हमें उसको एनआरवी लेना है जो उनमें से हाईएस्ट है। अगर चीजों को बेचने की एक से ज्यादा ऑप्शन है हमारे पास, तो हमने उनको एनआरबी मानना है जो उनमें से हाईएस्ट है। यार ये खराब हो रहा है अमन जी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अच्छा बाकी लोग भी सुन लें, ये जो एनआरबी है ये हमारी पड़ी हुई इन्वेंट्री की रिकवरेबल अमाउंट, कि हमने इससे कितना बेनिफिट ले लेना है। तो हाँ ऐसा ही है, रिकवरेबल अमाउंट। क्वेश्चंस में आए और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें। ये मैं करता हूं बोर्ड पे, चार प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हो ही जाएगा, फिर देखते हैं जितने भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए, ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। ये जो पॉइंट्स लिखवा रहा था ये हो गए, बस एनआरवी के लिए हो गई काफी सारी बातें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं।
कहानी फिर ये 450 है ना, तो फिर ये 450 है जी। हाँ वैसे तो ये IS-2 ने कहा हुआ है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब IS-2 ने क्यों कहा है, देखिए हमने स्टैंडर्ड्स को मानना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूं अकाउंटिंग की, स्टैंडर्ड्स को मानना होता है। तो IS-2 ने कह दिया लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब उसने ऐसा क्यों कहा है, तो उसकी मसले आती है कि वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को पसंद कर रहा था, तो ये असल में IS-2 की बात मानी जाती है। हाँ जी पढ़ लिया तो मैं करूँ। ट्रेडिंग बिजनेस है, गुड्स खरीद रहा है और उनके ओपनिंग और परचेजेज और क्लोजिंग नहीं सेल्स का डाटा दिया पूरे साल का, महीने का, साल का, महीना, साल क्या पता नहीं, साल है जी, पूरे साल का डाटा दिया हुआ है और इन चार प्रोडक्ट्स हैं और साल के एंड पे पूछा है कि इनकी वैल्यू बता दें। तो चारों प्रोडक्ट्स हैं, तो चारों की ग्रैंड टोटल कॉस्ट, ग्रैंड टोटल एनआरवी कंपेयर कर लें, नहीं तो हमें हर प्रोडक्ट के लिए कंपैरिजन अलग अलग करना पड़ेगा। पहले करते हैं प्रोडक्ट ए, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स की कॉस्ट और एनआरवी निकाल ली। कॉस्ट का डाटा है उससे, उसमें परचेज कॉस्ट और ड्यूटीज और यहां से कॉस्ट निकाल लेंगे, एनआरवी का डाटा भी कहीं ना कहीं है तो कॉस्ट भी निकल आएगी, एनआरवी भी इस डाटा से निकल आएगी। और क्या चाहिए, क्लोजिंग के यूनिट्स कितने हैं, तो वो तो नहीं है, वो हिसाब किताब कर लेते हैं। तो क्लोजिंग यूनिट्स हैं, पहले कितने थे, कितने खरीदे, बेच दिए, तो फिर 40 बचे रह गए हैं और इन 40 में से 75% और 25% ये अलग अलग करने पड़ेंगे क्योंकि जो 25% हैं वो डैमेज्ड हैं और सस्ते बिकेंगे, तो हमें फिर उनका कंपैरिजन अलग करना है। 75% यानी 30 यूनिट्स और 10 यूनिट्स, तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ गए। देखें सवाल की प्लानिंग दोबारा, हमें चार प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उनकी परचेजेस, सेल्स का डाटा है और आगे पॉइंट्स बताए हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है और वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछिए, तो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं पहुंचना कहां है। जब पता चल जाए ना पहुंचना कहां है, फिर रास्ता पहचानते हैं। जैसे अगर आप यहां से बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो रास्ते तो यहां से चार इधर उधर जा रहे हैं और उसके अलावा तो पूरा लाहौर फैला हुआ है, लेकिन उनमें से कौन सा रास्ता लेना है, जहां जाना है पता होना चाहिए, तो जहां जाना है वो रिक्वायर्ड है, हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां से उल्टा चलते हैं, क्या क्या चाहिए, यूनिट्स चाहिए, कॉस्ट चाहिए, एनआरवी चाहिए, ये सवाल प्लान हो गया। अब और नीचे आते हैं, यूनिट्स चाहिए, अब सवाल ढूंढना शुरू कर दिया कि यूनिट्स हैं या निकालने पड़ेंगे, तो निकालने पड़े। अब अगली तलाश कॉस्ट की शुरू कर देते, कॉस्ट निकालने के लिए जो कुछ ओपनिंग पड़े हुए थे उनका शायद कुछ और मामला हो, परचेजेस का और हो, तो फिर कैसे पता करें 40 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है। अब या तो फाइफो लगा लेंगे या वेटेड एवरेज लगा लेंगे, कुछ नहीं कहा तो मर्जी है, चाहे आपको लगा लें चाहे फाइफो लगा लें, क्या लगा लें जी, चलें प्रैक्टिस ही हो जाएगी, दोनों कर लेते हैं, एग्जाम में जो मर्जी जो आसानी है वो कर लेंगे, और एवको में आसानी होती है क्योंकि उसमें ये नहीं देखना पड़ता कि किस में से बचे हुए। तो अब यूनिट्स निकल आए, कॉस्ट पे आते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट हम एवको अज्यूम कर लें, तो एवको के लिए क्या तरीका है, रेट कैसे निकालें, अमाउंट्स ऐड कर दें, यूनिट से डिवाइड कर दें, तो अमाउंट्स क्या क्या है, ओपनिंग कितना 60,000,
इसमें परचेजेस ऐड कर लेते हैं। अच्छा, परचेजेस में भी परचेज प्राइस भी है 8-10, फिर ड्यूटीज भी हैं, लेकिन उनमें से कौन सी वाली? नॉन डिफेंडेबल वाली। और पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कंपनी के स्टोर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू द कंपनीज गो डाउन, वो 100 रुपए पर यूनिट है। तो ये लेके आने का खर्चा, ये भी कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड होगा। तो कितने सारे साल में यूनिट लेके आए? 360। तो 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कितना किराया पड़ा? 36,000। ये हो गई टोटल परचेज कॉस्ट। परचेज में आके बाकी खर्चे भी तो ऐड करने ना, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, ये ऐड कर लिया। तो फिर पॉइंट 2 भी ऐड कर लें। No, sir, वो सेलिंग नहीं, वो बेचने के लिए, तो हम तो सिर्फ खरीदने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, किस 30 पे? तो वो उन्होंने आपको दे दिया ना 60,000, उनकी कॉस्ट बता तो दी है 60,000। अब वो जैसे भी बनी थी, जिस तरह भी थी, वो बना दी उन्होंने, तो 60 में सब शामिल है। सवाल ये पूछा है कि जो 30 यूनिट्स ओपनिंग है, तो इनमें ड्यूटीज वगैरह किधर है? वो आपको जो 30 यूनिट के बारे में कहा है कि इनकी कॉस्ट 60,000 है, तो बस उसमें कर दिया होगा उन्होंने जो जो शामिल करना है, और इनको डिवाइड ओपनिंग के यूनिट्स प्लस 360 255 3.82 255। अच्छा, अपर रेट कुछ हजारों में चल रहा है, तो बेशक आप डेसिमल में ना जाएं, जाना है तो बिल्कुल ठीक है, चले जाएं, लेकिन इतनी बड़ी फिगर है तो बेशक ना जाएं। ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अगर फाइफो लगा रहे होते तो ये 40 इन्हीं में से होते। अच्छा, लास्ट तो नहीं, इसमें तो है ही दो ना, कुछ ओपनिंग पड़े में बाकी परचेजेस हैं, तो ये 360 परचेजेस हैं और ये 30 से भी पुराने, तो ये 40 किस में से होते? इस 360 में से ही होते। क्वेश्चन 2 होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चन 3 में, तो फाइफो में ये 40 इनमें से ही बचे होते, तो इनमें से ही बचे होते तो इनकी पर यूनिट कितनी होती? ये सारी परचेजेस डिवाइडेड बाय 360। अगर फाइफो होता तो 2250 होती कॉस्ट। एफ को है तो ये अगर ये इस फार्मूले में इस तरह से लाइन में नहीं लिखी जा रही चीजें ज्यादा हैं, तो उसको टेबल बना के कर लें, अलग-अलग वर्किंग बना के कर लें। फाइफो वाली बात आई समझ के? नहीं, फाइफो मैंने ये कहा है कि अगर फाइफो होता तो फिर ये 40 किस में से बचे होते? इस 360 में से। तो फिर ये 360 कितना है पर यूनिट को? पर यूनिट कॉस्ट तो बाहर निकालनी है ना, तो वो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होती? ये 360 यूनिट्स इतने के आए थे, दिस डिवाइडेड बाय 360, तो ये आ जाते कि 360 हमें एक कितने का पड़ा, कितने का? तो 22 कौन? अच्छा, वो वैल्यू गलत बताई थी, 2600। तो वो फिर 2600 होता पर यूनिट, तो हम ये 40 उस 2600 की कॉस्ट मानते। वेटेड एवरेज लगाना है तो ये कहां पर? 4360 में से निकलेंगे, बचे हुए होंगे। फाइफो यही है ना कि जो बाद में खरीदे थे उनमें से बचे हुए। अब हमारे पास बस दो तरह के हैं, एक ओपनिंग और एक परचेजेस हैं, तो ये किस में से बचे हुए हैं? इसमें से बचे हुए हैं, वो बिक गए। 40 इनमें से बचे रह गए। तो अगर फाइफो मेथड होता तो पर यूनिट कॉस्ट ये वाली होती इन 40 यूनिट्स के लिए। एफ को लगा रहे हैं तो फिर ये पर यूनिट कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट हो गई, बल्कि एनआरवी निकाल के बाद में कर लेता हूं। एनआरवी पे आते हैं, बस प्रोडक्ट ए कर रहा हूं, फिर बाकी कल करते हैं। एनआरवी पे आते हैं, एनआरवी इनकी अलग अलग है क्योंकि ये डैमेज्ड है, तो पहले एनआरवी निकालते हैं नॉर्मल वालों की। प्रोडक्ट ए कितने का बेच लेंगे? पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो खराब वाले हैं उनके बारे में कहें ये बात, अच्छे वालों के बारे में कुछ नहीं कहा। पॉइंट 3 में उनका बताया है जो डिफेक्टिव वाले हैं,
उसके अलावा पॉइंट 1, 2, 3, 4 में कहीं नहीं बताया कि अच्छे वालों का क्या होगा। तो जितने का पहले बेचते आए हैं फिर वही होगा ना, वो ऊपर टेबल में है। तो पहले हमने पूरे साल में कितने बेचे हैं, 350, कितने के बेचे हैं, 29। तो चूंकि पिछले साल में हम 29 का बेचते आए हैं तो फिर आइंदा भी बेच लेंगे। ये ऊपर टेबल में नजर आ रहा है। और कॉस्ट टू सेल, बेचने जाएंगे तो को खर्चा होगा। जी बिल्कुल होगा। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, कस्टमर को बेचना होता है तो हमें उसको घर तक पहुंचाना पड़ता है और उस पर 150 रुपए खर्च होते हैं। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू की अंग्रेजी ही ना समझ आई हो किसी को। हाँ जी, पॉइंट वन पॉइंट टू, तो 150। और डैमेज्ड वाले की एनआरवी, डैमेज्ड वाला बेच लेंगे हम जितने का नॉर्मल बेचते हैं उसका। पॉइंट नंबर थ्री में लिखा हुआ है कि 25% डैमेज्ड है और ये हमारी मिसहैंडलिंग से डैमेज हो गए थे और इनको हम 60% ऑफ इट्स, इट्स किसका, इट्स ए की बात हो रही है कि ए की जो असल सेलिंग प्राइस है उसके 60% तक बस बेच सकेंगे इसको। यानी अगर ए हम 1000 रुपए का बेचते हैं तो ये 600 का बेच लेंगे, तो ए हम कितने का बेचेंगे, तो अगर ये 2900 का बेचते हैं तो फिर ये हम लोग बेच सकेंगे। सबर कर यार, सबर कर। 1740। और पॉइंट नंबर टू के बारे में ये लिखा नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्मल वालों के लिए, तो क्या पता इनके लिए भी हो। अब अगर आप नोट लिखते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनके लिए नहीं है तो बस ये एनआरवी है, या अगर अज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इनके लिए भी है तो फिर यहाँ पे भी कॉस्ट टू सेल 1590। तो फाइनली वैल्यू क्या हो गई ए की, जी जो नॉर्मल है। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट एक ही रेट है ना या अलग अलग है? तो एक ही है तो हम बेशक पर यूनिट कंपेयर कर लें। वो तो मसला था ना, जब मल्टीपल रेट है तो हम जरूर टोटल पे जाएंगे। एक ही तो है तो चाहे पर यूनिट को कंपेयर कर लें चाहे टोटल कर लें। तो नॉर्मल वालों की कॉस्ट और नॉर्मल वालों की एनआरवी, तो कॉस्ट और डिफेक्टिव वालों की एनआरवी और डिफेक्टिव वालों की कॉस्ट। कॉस्ट तो यही है क्योंकि अब खराब हुए हैं, टूटे फूटे नहीं खरीदे थे, तो कॉस्ट तो यही थी। तो उनकी कॉस्ट और एनआरवी में से एनआरवी लोअर है। सेवन सिक्स, ये है प्रोडक्ट ए। वो बहुत मुश्किल काम तो नहीं लगा? चले फिर बेटा, आपने ये इसको पूरा करके आना, ये बी सी डी आपने करना, ये होमवर्क पूरा, ये सवाल पूरा करिएगा, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।